ही वॉट इज अप गाइस, आई एम रिदम एंड वॉचिंग द फ्लाई। और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रवन पावर्ड हेलीकॉप्टर का बिल्कुल ही नया डिज़ाइन। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने आइडियाज में कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सारे को ट्राई करने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो गाइस। इस हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है और इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहला जो डिज़ाइन मैंने यूज़ किया उसमें मैंने क्या किया है, आप देख सकते हो कि पहले सिर्फ एक लंबी सी आइसक्रीम स्टिक की मैंने एक स्टिक बनाई और उसके साथ मैंने एक साइड में एक विंग लगा दी और दूसरी तरफ एक प्रॉप लगा दिया जो कि हमारा रबर एंड पावर जो मोटर होता है उसको मैंने लगा दिया। तो आइडिया ये था कि अगर आपने कभी बटरफ्लाई की विंग्स को, जो छोटे छोटे बटरफ्लाईज होते हैं, उसकी एक सिंगल विंग को आपको अपने टूट के गिरते हुए अगर देखा हो तो वो कैसे गिरती है, वो जब ऊपर से नीचे गिरती है तो एक सर्कल राउंड में घूमती है और उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो काफ़ी धीरे धीरे गिरती है। तो बस इस हेलीकॉप्टर में भी सेम आइडिया को यूज़ करके इस हेलीकॉप्टर को बनाने की मैंने पूरी कोशिश की है। तो इसको मैंने पहला डिज़ाइन बनाया कि मैंने एक आइसक्रीम स्टिक का एक लंबा सा स्टिक बनाया और एक तरफ रबर पावर जो प्रॉप है उसको मैंने लगा दिया जिससे इसको एक रोटेशन मिले, ठीक है। और दूसरी तरफ जो मैंने एक सिंगल विंग लगा दिया, जैसा कि बटरफ्लाइज की वो छोटी सी विंग होती है अगर वो गिरता है उसकी कॉपी कर। तो आइडिया ये है कि इस प्रॉप से इसको थ्रस्ट मिलेगी और ये इस तरफ घूमेगा और ये जो प्रॉप है इसको ऐसे एंगल में लगाया कि अगर ये इधर घूमे तो हवा नीचे की तरफ जाए बड़े वाले प्रॉप से, ठीक है। तो बस सिंपल से यही आइडिया था, सिर्फ इसमें एक प्रॉप लगा हुआ है और एक विंग लगा हुआ है, तो एक सिंगल विंग हेलीकॉप्टर भी हो सकता है इसको कह सकते हो आप। तो पहला डिज़ाइन मैंने ऐसे ही बनाया और पहले डिज़ाइन का जो कैसे काम किया, पहले डिज़ाइन में क्या क्या कमी थी वो आप देखो। तो पहला डिज़ाइन कैसे उड़ रहा है, ये बस अनबैलेंस काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो सही जगह पर नहीं आ रही है, वो इधर उधर भाग रही है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे डिज़ाइन। तो दूसरे डिज़ाइन में मैंने क्या किया, मैंने पहले एक प्लास्टिक बॉटल का कैप लिया, उसमें तीन होल्स कैसे किए, एक होल एक लाइन में, दो होल जो है वो एक लाइन में है और जो तीसरा है वो उस बेस लाइन के परपेंडिकुलर है। आप इसमें देख सकते हो कि वो कैसा दिख रहा है। तो अब इसमें मैंने आइसक्रीम स्टिक्स को नहीं लगा करके मैंने इसमें जो पाइप्स होती हैं स्ट्रॉज उसको यूज़ किया ताकि मैं इसको हल्का सा बना सकूं। तो इस दो स्ट्रॉज लगा दिए। तो दो स्ट्रॉ लगाने के बाद अब हमें एक साइड में क्या करना था, प्रॉप लगाने थे, जैसा हमारा बेसिक आइडिया प्रॉप लगाना। तो एक साइड हमने प्रॉप लगा दिया और दूसरी साइड हमने एक बड़ा सा विंग लगा दिया। अब जो तीसरा जो इसके सेंटर में है, जो एक और हमारा जो स्ट्रॉ बचता है उसमें हम थोड़ा सा वेट लगाएंगे, इससे क्या होगा, इससे इसको एक रोटेशन मिलेगा, रोटेशन में इसको हेल्प करेगी, ठीक है। तो इससे ये काफ़ी बैलेंस हो सकती है और इस सब का एंगल आप देखो, जो तीनों जो मैंने स्ट्रॉज लगाए हैं ये सारे एंगल थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, अगर आप देख सकते हो तो थोड़े से ऊपर की तरफ उठे हुए हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जो हमारे प्रॉप्स हैं जो ऊपर की तरफ उठे हुए उससे नीचे की तरफ रहती है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहती है हल्की सी तो वो काफ़ी बैलेंस होती हैं, जो ट्रेनर प्लेन्स होती है आप उसमें देखो उसकी विंग्स ऊपर की तरफ होती है और जो पूरा मास होता है वो नीचे की तरफ होती है, इससे एक बैलेंस मिलता है, हमारा जो प्लेन है वो इधर उधर नहीं घूमता, इधर उधर घूमता है तो ग्रेविटी अपना काम करती है और उसको प्लेन को सीधा कर देती है। सेम वही आइडिया यहाँ भी यूज़ किया है और इसी की वजह से जो मैं ये तीनों स्ट्रॉज जो मैंने यूज़ की हैं उसमें एंगल थोड़ी सी ऊपर की तरफ है तीनों को, अगर आप देखो तो इसको मैंने फ्लाई किया तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारा जो जिधर मैंने प्रॉप लगाया था आइसक्रीम स्टिक से बना करके पूरा रबर बैंड उसमें लगा हुआ है, तो एक तरफ वेट ज़्यादा हो जा रहा है एक तरफ वेट कम हो जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दूसरी तरफ वेट ऐड करनी पड़ेगी, तो हमने दूसरी तरफ वेट ऐड की थोड़ी सी और इस वेट को ऐड करने के बाद हम इसको उड़ा के देखेंगे। तो इसको उड़ा के देखा तो हमारा जो हेलीकॉप्टर है सिंगल विंग हेलीकॉप्टर वो थोड़ा अच्छा उड़ रहा, थोड़ा अच्छा बैलेंस हो रहा था और घूम रही थी हवा में, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा और बैलेंस करेंगे, आप देखोगे तो ये एक तरफ ज़्यादा भाग रही है, एक तरफ ज़्यादा भाग रही है, इसका मतलब एक तरफ वेट ज़्यादा बढ़ रही है। तो हम दूसरी तरफ जो विंग के तरफ हमने जो लगाया है वेट उसको हम थोड़ा थोड़ा कट करके हटाते गए और उसको करने के बाद फाइनल ये काम कर रहा है काफ़ी अच्छी तरीके से। सिंस इसको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, जो प्रॉप स्विमर काफ़ी स्पीड में घूमनी चाहिए और काफ़ी टाइम तक घूमनी चाहिए, तो मेरे पास प्रॉपर जो रबर बैंड पावर्ड जो प्लेन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसके लिए जो रबर्स आती हैं वो नहीं है मेरे पास, जो नॉर्मल रबर जो आप यूज़ करते हो डेली लाइफ में
जो आपको आसपास मिल जाएंगी वो रबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इससे फ्लाई टाइम ज़्यादा नहीं मिलती, लेकिन इस प्रिंसिपल को हम इसमें यूज़ करके देख सकते हैं कि ये चीज़ रबर बैंड के साथ भी काम करती है। तो ये इसका फाइनल वीडियो जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से उड़ रहा है। इसमें इनफ पावर नहीं है कि इसको ज़्यादा देर तक हवा में रख सके, लेकिन ये एक्चुअली में ये हेलीकॉप्टर जो है वो काम करता है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को तुरंत से एक लाइक करो, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने आइडियाज़ में कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।